विंग्स, आज हम आपके सामने वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जिससे प्रीवियसली एपीयू में इन टोटल 4 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और ये पार्ट आपका हर बार हर ईयर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, तो आपको उस चीज़ के लिए अपडेट रहना पड़ेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हम अपनी 2 इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे कि हमारा एपीयू और सीजे से रिलेटेड जीके के बैच चल रहे हैं और इन बैचेस की फ़ीस आपकी 2,000 रुपये है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और बैचेस का लाभ ले सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम यहाँ पे बात करेंगे मेजर मिनरल्स के बारे में और इंडिया में कौन नंबर 1 पे है एज वेल एज वर्ल्ड में कौन नंबर 1 पे है। बात करें तो कोल के बारे में, फर्स्ट इन वर्ल्ड में चाइना आता है और इंडिया में झारखंड है। डायमंड्स की बात करें तो वर्ल्ड में रशिया है एंड इंडिया में मध्य प्रदेश है। कॉपर की बात करें तो चाइल है एंड इंडिया में मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट आयरन ओर की बात करें तो वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया आता है एंड इंडिया में उड़ीसा है। सिल्वर की बात करते हैं तो मेक्सिको वर्ल्ड में एंड इंडिया में राजस्थान। क्रूड ऑयल देखेंगे तो अमेरिका वर्ल्ड में एंड राजस्थान इंडिया में। आफ्टर दैट नेचुरल गैस की बात करें तो अमेरिका वर्ल्ड में, असम इंडिया में। बॉक्साइट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड में, उड़ीसा इंडिया में। मैग्नीज ओर की बात करें तो साउथ अफ्रीका वर्ल्ड में एंड मध्य प्रदेश है इंडिया में। गोल्ड, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, अभी हम आपको ये क्वेश्चंस भी दिखाएंगे। और बैचेस ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आपको एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कराए जाते हैं और साथ ही साथ में डिस्कशन से ये फ़ायदा होता है, कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स भी आपके सामने आ जाते हैं। अगला मिनरल है माइका, वर्ल्ड में चाइना है एंड इंडिया में आंध्र प्रदेश। यूरेनियम वर्ल्ड में कजाकिस्तान है, इंडिया में आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट टंगस्टन वर्ल्ड में चाइना है, इंडिया में आंध्र प्रदेश। कैडमियम वर्ल्ड में चाइना एंड इंडिया में आंध्र प्रदेश। निकल वर्ल्ड में इंडोनेशिया, भारत में उड़ीसा। एंड लास्ट के 2 मिनरल्स हैं जिसमें क्रोमाइट, उसमें वर्ल्ड में साउथ अफ्रीका फर्स्ट रैंक पे है और इंडिया में उड़ीसा है। एंड नेक्स्ट स्टील, इसमें वर्ल्ड में चाइना है और इंडिया में उड़ीसा है। ये आपके न्यू रैंक्स के अकॉर्डिंग है 2021 तक का। अब हम देखेंगे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बारे में, उसमें इंडिया में कौन सबसे नंबर 1 पे है और वर्ल्ड में। स्टार्ट करते हैं तो राइस की बात आती है, वर्ल्ड में चाइना है, इंडिया में वेस्ट बंगाल। वीट वर्ल्ड में चाइना है, इंडिया में उत्तर प्रदेश। मेज वर्ल्ड में अमेरिका है, इंडिया में कर्नाटका। नेक्स्ट आपका आता है पल्सेस, फर्स्ट इन वर्ल्ड की बात करें तो हमारा प्यारा भारत है और भारत में अगर स्पेशली बात करें तो मध्य प्रदेश है। पिछली बार मध्य प्रदेश जुडिशरी में ये क्वेश्चन आ चुका है तो ये याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं तो अगला आता है पीनट्स, वर्ल्ड में चाइना है और इंडिया में गुजरात। शुगर केन वर्ल्ड में ब्राज़ील है, इंडिया में उत्तर प्रदेश। जूट वर्ल्ड में हमारा भारत आ जाता है और इंडिया में वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट टोबैको वर्ल्ड में चाइना है, आंध्र प्रदेश इंडिया में। नेचुरल रबर वर्ल्ड में थाईलैंड, केरला इंडिया में। कॉफ़ी वर्ल्ड में ब्राज़ील, इंडिया में कर्नाटका। नेक्स्ट सनफ्लावर वर्ल्ड में यूक्रेन, और ये इस समय आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है, और इंडिया में कर्नाटका। नेक्स्ट आता है आपका ज्वार, वर्ल्ड में अमेरिका, इंडिया में कर्नाटका। कॉटन वर्ल्ड में चाइना, इंडिया में गुजरात। पोटैटो वर्ल्ड में चाइना, इंडिया में उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आता है अनियन, वर्ल्ड में चाइना, इंडिया में महाराष्ट्र। टी वर्ल्ड में चाइना, इंडिया में असम। सोयाबीन वर्ल्ड में आ जाता है अमेरिका, इंडिया में है मध्य प्रदेश। फिर आपका यहाँ दोबारा से रिपीट हो गया, पल्सेस में वर्ल्ड में इंडिया आ जाता है, स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश आ जाता है इंडिया में। एंड नेक्स्ट और लास्ट है आपका मिल्क,
वर्ल्ड में हमारा फिर से भारत आता है, और अगर इंडिया में स्पेसिफिकली बात की जाए तो उत्तर प्रदेश आता है। अब मैं आपको प्रीवियसली APO में आस्क्ड क्वेश्चंस जो कि इससे रिलेटेड पूछे जा चुके हैं वो दिखाती हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन 2013 पूछा गया है, और यही जो 2013 में था ये अभी तक चलता आ रहा है, तो इस अकॉर्डिंग ब्राज़ील आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लार्जेस्ट गोल्ड का प्रोडक्शन कंट्री कौन सा है वर्ल्ड में 2011 का अगर देखा जाए, और वो पहले 2011 के अकॉर्डिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था, बट 2021 की बात की जाए तो चाइना हो जाता है। अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील कौन सा है वर्ल्ड में। उस समय ये क्वेश्चन आपका 2011 APO में पूछा गया था, उस समय स्टील का प्रोडक्शन USA में सबसे ज़्यादा होता था, बट 2021 की बात की जाए तो चाइना आ जाता है फर्स्ट रैंक पे। अगला क्वेश्चन है आपका मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड, और यहाँ पे आप आंसर देखेंगे तो आपका आंसर, आपने राइस, सोयाबीन एंड ग्राउंड नट्स, ये तीनों चीज़ें आपने देख ली हैं, उस अकॉर्डिंग आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सो ये हमारे रहे आज के कुछ टॉपिक्स जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बैच ज्वाइन करने का फ़ायदा एक चीज़ और होता है, आज हमने क्लास में डिस्कस किया था एप्पल प्रोडक्शन में इंडिया में सबसे हाईएस्ट रैंक पे कौन है, फर्स्ट रैंक पे, और वो आंसर आपका सिर्फ क्लास में ही मिलेगा आपको, जम्मू एंड कश्मीर। सो क्लास का बेनिफिट उठाने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कॉन्टैक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। Thank you, everyone.